दोस्तों 2023 में बहुत सारी फिल्में आई हैं, लेकिन आज मैं उन 15 फिल्मों की बात करूंगा जिसने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा इस साल कमाई की है। दोस्तों 15वें नंबर पर है वीरा सिम्हा रेड्डी, जो एक एक्शन ड्रामा फिल्म है। दोस्तों यह एक तमिल फिल्म है। फिल्म के अहम किरदार में बालकृष्ण, नंदमुरी, श्रुति हासन, दुनिया विजय हैं। फिल्म के डायरेक्टर थे गोपी चंद मलिनेनी। बजट था फिल्म का लगभग 85 करोड़ का। फिल्म ने इंडिया बॉक्स ऑफिस से कमाई की है 97 करोड़ 64 लाख की। वहीं वर्ल्ड वाइड से 132 करोड़ 50 लाख की फिल्म ने कमाई की है और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट है। 14वीं फिल्म है OMG 2, एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म के अहम किरदार में हैं अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम। फिल्म के डायरेक्टर हैं अमित राय। बजट फिल्म का लगभग 100 करोड़ रुपए है। दोस्तों फिल्म ने इंडिया बॉक्स ऑफिस से अभी तक 120 करोड़ की कमाई की है। वहीं वर्ल्ड वाइड से 170 करोड़ की कमाई की है। दोस्तों यह फिल्म अभी भी थिएटर में चल रही है क्योंकि यह 11 अगस्त 2023 को ही रिलीज हुई थी। अगली फिल्म है 2018। यह एक एक्शन ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जो कि एक मलयालम फिल्म है। फिल्म के अहम किरदार में हैं टोबिनो थॉमस, कुंचाको बोबन, आसिफ अली। फिल्म के डायरेक्टर हैं जूड एंथोनी जोसेफ। बजट फिल्म का लगभग 12 करोड़ का है। दोस्तों फिल्म ने इंडिया से 93 करोड़ 20 लाख की कमाई की है। वहीं वर्ल्ड वाइड से 178 करोड़ 70 लाख की कमाई की है। इस तरह से यह फिल्म बजट के हिसाब से ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन गई है। अगली फिल्म है किसी का भाई किसी की जान। एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म के अहम किरदार में हैं सलमान खान, पूजा हेगड़े, वेंकटेश जगपति बाबू। फिल्म के डायरेक्टर हैं फरहाद सामजी। बजट फिल्म का लगभग 115 करोड़ है। फिल्म ने इंडिया बॉक्स ऑफिस से 110 करोड़ 10 लाख की कमाई की है। वहीं वर्ल्ड वाइड से 185 करोड़ की कमाई की है और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज है। अगली फिल्म है थुनियू। एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो कि एक साउथ इंडियन फिल्म है। फिल्म के अहम किरदार में अजीत कुमार, मंजू वारियर, समू थिरकानी हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं एच विनोद। बजट फिल्म का लगभग 125 करोड़ का है। फिल्म ने इंडिया बॉक्स ऑफिस से 121 करोड़ 87 लाख की कमाई की है। वहीं वर्ल्ड वाइड से 240 करोड़ की कमाई की है। इस तरह से यह फिल्म हिट है। अगली फिल्म है तू झूठी मैं मक्कार। कॉमेडी रोमांस से भरपूर यह फिल्म है। फिल्म के अहम किरदार में रणवीर कपूर, श्रद्धा कपूर और बोनी कपूर हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं लव रंजन। बजट फिल्म का लगभग 100 करोड़ है। फिल्म ने इंडिया बॉक्स ऑफिस से 146 करोड़ की कमाई की है। वहीं वर्ल्ड वाइड से 220 करोड़ की कमाई की है और यह फिल्म भी हिट है। अगली फिल्म है वाल्टेयर विराया। यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसके अहम किरदार में है चिरंजीवी, श्रुति हासन, रवि तेजा। फिल्म के डायरेक्टर हैं बॉबी। बजट फिल्म का लगभग 125 करोड़ का है। फिल्म ने इंडिया बॉक्स ऑफिस से 161 करोड़ 60 लाख की कमाई की। वहीं वर्ल्ड वाइड से 232 करोड़ की कमाई की। इस तरह से यह फिल्म सुपरहिट है। अगली फिल्म है द केरला स्टोरी। यह एक ड्रामा फिल्म है। फिल्म के अहम किरदार में हैं अदाह शर्मा, योगिता बिहानी, सोनिया बलानी। फिल्म के डायरेक्टर हैं सुदीप तो सेन। बजट फिल्म का लगभग 25 करोड़ का है। फिल्म ने इंडिया बॉक्स ऑफिस से 240 करोड़ 60 लाख की कमाई की है। वहीं वर्ल्ड वाइड से 301 करोड़ की कमाई की है। इस तरह से यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है। अगली फिल्म है वरीसू। एक एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म के अहम किरदार में विजय, रश्मिका मंदाना, शाम और प्रकाश राज हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं वामसी पेडीपल्ली। बजट फिल्म का लगभग 180 करोड़ का है। फिल्म ने इंडिया बॉक्स ऑफिस से 178 करोड़ 80 लाख की कमाई की है। वहीं वर्ल्ड वाइड से 303 करोड़ की कमाई करके यह फिल्म सुपरहिट है। अगली फिल्म है राखी और रानी की प्रेम कहानी। कॉमेडी ड्रामा फैमिली फिल्म है। या रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, धर्मेंद्र, शबाना आजमी और जया बच्चन हैं फिल्म में। फिल्म के डायरेक्टर हैं करण जौहर। बजट फिल्म का लगभग 140 करोड़ का है। फिल्म ने इंडिया से 147 करोड़ 12 लाख की कमाई की है। वहीं वर्ल्ड वाइड से 309 करोड़ 70 लाख की कमाई की है। यह फिल्म अभी भी थिएटर में चल रही है। अगली फिल्म है पोन इनी सेलवन 2। यह एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म है। विक्रम, ऐश्वर्या राय बच्चन और जयम रवि फिल्म के अहम किरदार में हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं मणि रत्नम। बजट फिल्म का लगभग 250 करोड़ का है। फिल्म ने इंडिया बॉक्स ऑफिस से 180 करोड़ की कमाई की है। वहीं वर्ल्ड वाइड से 345 करोड़ की कमाई करके यह फिल्म हिट है।
अगली फिल्म है आदि पुरुष, यह माइथोलॉजिकल एक्शन फिल्म है। फिल्म में प्रभास, सैफ अली खान और कीर्ति सेनन है। फिल्म के डायरेक्टर हैं ओम राउत। बजट फिल्म का लगभग 500 करोड़ का है। फिल्म ने इंडिया बॉक्स ऑफिस से 280 करोड़ की कमाई की, वहीं वर्ल्ड वाइड से 450 करोड़ की कमाई करके यह फिल्म फ्लॉप है। अगली फिल्म है गदर 2, एक्शन रोमांस से भरपूर यह फिल्म है। फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा, गौरव चोपड़ा, मनीष वाधवा और सिमरत कौर हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं अनिल शर्मा। बजट फिल्म का लगभग 80 करोड़ का है। फिल्म ने इंडिया बॉक्स ऑफिस से अभी तक 420 करोड़ की कमाई की है, वहीं वर्ल्ड वाइड से 525 करोड़ की कमाई की है। दोस्तों यह फिल्म अभी सिनेमा घरों में चल रही है, लेकिन कलेक्शन के हिसाब से यह फिल्म ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। अगली फिल्म है जेलर, यह तमिल लैंग्वेज की फिल्म है। फिल्म में रजनीकांत, विनायकन और रामाकृष्णन हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं नेल्सन। बजट फिल्म का लगभग 240 करोड़ का है। फिल्म ने इंडिया बॉक्स ऑफिस से 305 करोड़ की कमाई की है, वहीं वर्ल्ड वाइड से 535 करोड़ की कमाई की है। दोस्तों अभी यह फिल्म थिएटर में चल रही है, लेकिन अभी तक की कमाई के हिसाब से यह फिल्म भी ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। पहली फिल्म है पठान, यह एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, जान इब्राहिम और आशुतोष राणा हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ आनंद। बजट फिल्म का लगभग 225 करोड़ का है। फिल्म ने इंडिया बॉक्स ऑफिस से 543 करोड़ की कमाई की है, वहीं वर्ल्ड वाइड से 1050 करोड़ की कमाई की है। इस तरह से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी।